आपके जीवन में कितनी बेहद करीबी दोस्तियां हैं, कितने ऐसे लोग जिनसे आप अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, जिन्हें आधी रात भी किसी तकलीफ में आवाज दे सकते हैं। सर्वे सेंटर ऑन अमेरिकन लाइफ ने 2021 में एक स्टडी की। इस स्टडी कह रही थी कि पिछले 3 दशक में उनके देश में लोगों की सोशल लाइफ का आकार यूं तो बढ़ा था, लेकिन करीबी पारिवारिक दोस्तियों का समूह बहुत छोटा हो गया था। सर्वे में शामिल 15% पुरुषों ने कहा कि उनके जीवन में एक भी करीबी दोस्त नहीं है। 30 साल पहले 1990 में जहां 55% पुरुषों का कहना था कि उनके जीवन में कम से कम 6 बेहद करीबी दोस्त हैं, 30 साल बाद 2021 में ये संख्या घटकर 27% हो गई। पहले जहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जिसका कोई नजदीकी बेहद खास दोस्त ना हो, वहीं अब 15% पुरुष कह रहे थे कि उनके जीवन में एक भी करीबी दोस्त नहीं है। महिलाओं की दोस्तियों की संख्या में भी कमी आई थी, लेकिन ये पुरुषों के मुकाबले बहुत कम थी। 10% महिलाओं ने कहा कि उनके जीवन में कोई क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है। हमारे देश में तो ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट कहती है कि लोनलीनेस नया एपिडेमिक है। पूरी दुनिया में लोगों का अकेलापन बढ़ रहा है। गाहे बगाहे इस बारे में अब बात भी होने लगी है, लेकिन जिस बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही वो ये कि पुरुषों का अकेलापन महिलाओं के अकेलेपन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास फिर भी गहरी दोस्तियां हैं, लेकिन पुरुषों की दुनिया में ये खाई और बड़ी होती जा रही है। उनके बढ़ते सुसाइड रेट, ड्रग अब्यूज और हिंसा की घटनाओं के पीछे भी ये बढ़ता अकेलापन एक बड़ा कारण है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले इतने ज्यादा अकेले हो गए हैं, जबकि देखा जाए तो बहुसंख्यक महिलाओं की दुनिया अब भी घर की चार दीवारी के भीतर कैद है। उनके मुकाबले पुरुषों के पास बाहर जाने, नए लोगों से मिलने, सोशलाइज करने, दोस्तियां करने के मौके कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इस पेट्रियार्की में ही छिपी हैं। पुरुषों पर करियर बनाने, पैसे कमाने, परिवार का भरण पोषण करने और जीवन में सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा है। उनके पास इतना वक्त और ऊर्जा ही नहीं है कि वो दोस्तियों में इन्वेस्ट कर सके। वो हर दिन बिजनेस मीटिंग के लिए दसियों लोगों से कैफे और बार में मिल सकते हैं, काम की बात कर सकते हैं, पैसे कमाने, जमीन खरीदने, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के आइडियाज शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास किसी दोस्त के साथ बैठकर शांति से सिर्फ 1 घंटा बतियाने, हाल जानने और कुछ नहीं तो अपने मन का संगीत सुनने की भी फुर्सत नहीं है। दूसरी ओर शायद उससे भी ज्यादा बड़ी वजह है पेट्रियार्की का दिया ताकतवर होने का दबाव। पुरुष भावुक, नाजुक, कमजोर कैसे हो सकता है? वो तो लोहे का बना हुआ सुपर ह्यूमन है। वो कैसे कह सकता है कि वो थक गया है, उसे आराम चाहिए, वो अकेला है, उसे दोस्त चाहिए, उसे किसी से बात करने का मन है, वो दुखी है, उसे प्यार चाहिए। वो सेक्स डिमांड कर सकता है, लेकिन प्यार नहीं, लगाव नहीं, कोमलता और कमजोरी नहीं। हर वक्त ताकत का यह मुखौटा लगाए रखना पुरुषों की मजबूरी भी है और पेट्रियार्कल ट्रेनिंग भी, लेकिन बाहर से जो ताकत दिख रही है वही भीतर से उन्हें तोड़ भी रही है, अकेला कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा।